सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी शरद पवार इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवार ने 2014 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार उनके बारामती और पुणे में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीदें थी। अब तक पवार ने भी इससे इनकार नहीं किया था, लेकिन आज अचानक ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो पूरे राज्य में पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। कभी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे शरद पवार अब धीरे धीरे चुनावी राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। अपने जीवन में 14 चुनाव लड़ चुके पवार के एक और लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। वैसे तो एनसीपी अध्यक्ष पहले ही लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला कर चुके थे। 2014 में भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। शरद पवार की बारामती सीट पर उनकी पुत्री सुप्रिया सूले को एनसीपी ने मैदान में उतारा था और सुप्रिया को विजय भी मिली थी। पवार तभी से साफ कर चुके थे कि वो राज्यसभा में ही रहेंगे और 2014 के आम चुनावों के बाद से ही पवार राज्यसभा सदस्य हैं। लेकिन इस बार उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। इसे लेकर आज उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छा थी कि अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। मेरी इच्छा नई पीढ़ी के लोगों को अवसर देने की थी, इसलिए मावल से पार्थ को लोकसभा में चुनाव लड़ाया जा सकता है। पवार ने कहा कि मेरे परिवार के 2 सदस्य पहले ही चुनाव लड़ रहे हैं, इस कारण मैंने चुनावी मैदान से बाहर रहने का फैसला लिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।